दो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल इज़ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्विजिबल हैंड सो इकनॉमिक्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इनविजिबल हैंड क्या होता है सो फाइनेशियल इकनॉमिक्स में इट इज इम्पॉर्टेंट अगैन इनविजिबल हैंड इज इज इन ऑपरेशन इनविजिबल हैंड या भी अपना काम करें सो बेसिकली वॉट वी सी इज दैट वी नीड टू फर्स्टली अंडरस्टैंड कि इन विजिबल हैंड होता क्या है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट और अभी जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में हम तब्दीलियां देखते हैं और वो हम देख रहे हैं बहुत क्विकली फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से वो तब्दीलियां हैपन हो रही हैं तो फाइनेंशियल इनोवेशन में भी इन्विजिबल हैंड किस तरह से हमें मदद देता है या कोई भी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सो so, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ मेड बाई इन्विजिबल हैंड इन्विजल हैंड बेसिकली का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने अपनी किताब सेवनटीन सेवेंटी सिक्स में जो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था इन्विजिबल हैंड बेसिकली होती है कॉम्पिटिशन की फोर्स जो कि नज़र नहीं आती सो so, हम देखते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ की कीमत अगर बहुत हाई हो गई है उसका सप्लाई शॉर्ट था आपने कोई इनोवेशन किया इनोवेशन की मदद से आपने ख़ास किस्म की चीज़ बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आई पैड बना लिया या आपने एंड्रॉड वाली टेलीफोन ईजाद की है तो जब एंड्रॉड वाली टेलीफोन के फीचर्स लोग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं ओ ओ इसमें तो ढेर तरह के एप्स इंस्टॉल हो सकते हैं और वो हमें मुख्तलिफ तरह की सहूलत पहुँचा सकते हैं वो हमें गूगल मैप से आपको पता चलेगा कि आपको कहीं रास्ता तलाश करने में मदद हो रही है आपने ऊबर करीब बुक करनी है आपको उसकी मदद हो रही है आपने वेदर देखना है कल बारिश हो रही है या नहीं हो रही मुझे मेरा मेरा पिकनिक प्लान करना है तो ये सारे सहूलियात आपको वो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस की मदद से मिल सकते हैं और उसके लिए आपको एंड्रॉइड वाली फ़ोन चाहिए इसका मतलब है कि आपने बोला देर विल बी बिगर मार्केट फॉर द एंड्रॉयड फ़ोस एवरीबडी विल स्टार्ट बाइंग एंड्रॉयड फ़ोस ताकि हम ही वो सारी सहूलियात का फ़ायदा उठाएं तो अगर आपने कोई भी इनोवेशन किया है किसी भी फॉर्म ने किसी भी एंटी ने इनोवेट कराया है और कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होने चाहिए क्योंकि इससे हमारी जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी हमें फ़ला तरह की सहूलत मुहैया मौ, हो जाएगी तो उसके लिए फिर लोग वो ले वो चीज़ों को बाय करना शुरू कर देते हैं एंड दिस इज़ हाउ जिस फर्म ने वो इनोवेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है या टेक्नोलॉजिकल चेंज मार्केट में इंट्रोड्यूस किया उसको फ़ायदा पहुंच जाता है कि वो ढेर सारी रेवेन्यूज को जनरेट कर सकता है अपने लिए वो अपने ढेर सारा प्रॉफिट बना सकता है लेकिन इन द लॉन्ग रन वी सी दैट जैसे जैसे आपके ढेर सारे कंपेटिटर्स मार्केट में पैदा होते जाएंगे वैसे वैसे जिस फर्म ने सबसे पहले वो इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में उसके जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो डिप्लीट होता जाएगा छोटा होता जाएगा सो इवेंचुअली आप पॉइंट विल कम जब देर विल बी मैनी कंपेटिटर्स इन द मार्केट लेकिन सबकी मार्जिन बहुत कम है और शुरू में जो इनोवेशन लेकर आया था सिर्फ उसका मार्जिन ज़्यादा था और जिनके पास वो वाली इनोवेटेड इनोवेशन नहीं थी वो वाले लोग मार्केट में मौजूद नहीं थे और कोई पैसा नहीं कमा रहे थे तो इवेंचुअली क्या हुआ कि प्राइसेस नीचे चले जाएंगे कंपटीशन बढ़ेगा जैसे जैसे तो प्राइसेस नीचे चले जाएंगे टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉमन हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे उससे फ़ायदा किस को पहुँचेगा कंज्यूमर को लेकिन जो इनोवेशन करने वाला है जिसने इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया था उसने अपना मार्जिन उस वक्त तक हाई रख सकता है जब तक कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा नहीं सो दिस इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन दैट लीड्स टू फॉल इन द प्राइस एंड द फॉल इन द मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ द इनविजिबल हैंड दैट ऑपरेट्स सो एडम स्मिथ ने कहा कि एक ना नजर आने वाला हाथ है जो कि मार्केट को मैनेज करता है मेनिपुलेट करता है इवेंचुअली क्या होता है कि प्राइसिस एक सर्टन लेवल के ऊपर फॉल कर जाते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं सेम सेम केस विल बी देयर अगर प्राइस बहुत नीचे हैं तो इनविजिबल हैंड ऑपरेट करेगा और जो जो कंपेटिटर्स जो फर्म्स जिनको बहुत कम कीमतों की वजह से नुकसान हो रहा है वो मार्केट से चले जाएंगे और सिर्फ वो रह जाएंगे जिनके पास कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्राग है जिनके पास काफ़ी सारे पैसे थे फाइनेंशली वो स्ट्रॉन्ग थे वो मार्केट्स कम्पीट करेंगी रह जाएंगी मार्केट में और बाकी के सारे चले जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि मार्जिन उनका रिजनेबल हो जाएगा कॉम्पिटिशन के कम हो जाने की वजह से और प्राइसेस बढ़ जाएंगे ठीक है सो अभी दिस इज़ हाउ द इनविजिबल हैंड ऑपरेट्स सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से हम कॉरपोरेट uh, सेक्टर में देखते हैं इनोवेशन आते हैं इनोवेशन की मदद से आप मार्केट में एक जोट लेकर आते हैं मार्केट में थोड़ा सा हरकत होती है और उससे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं इसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में हमने देखा कि फाइनेंशियल का फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इसी तरह से इनोवेशंस आते हैं और आपके बहुत ज़्यादा फास्ट पेस के ऊपर फाइनेंशियल इनोवेशंस आर हैपनिंग इफ वी लुक बैक इनटू द हिस्ट्री वी सी दैट आपके पास पहले एटीएम टी मशीन्स नहीं थे आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब कुछ सहूलत नहीं थी तो ये सारे फाइनेंशियल इनोवेशन हुए और उसकी वजह से क्या हुआ जो फाइनेंशियल इनोवेशन जो बैंक या इंटरमीडियरी या कंपनी लेके आएगी उसको शुरू में मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलेगा लेकिन फिर इन्विजिबल हैंड ऑपरेट करेगा और मार्जिन कम हो जाएगी सो so, इसके लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल डाइनस क्लब इज़ द फर्स्ट कंपनी जो कि क्रेडिट कार्ड लेकर आई मार्केट में तो क्रेडिट कार्ड की सहूलत बहुत ज़्यादा है उसके इस्तेमाल करने वालों के पास आपको वो सारा कैश बोरो करने के लिए एकदम आप किसके पास जाएंगे मुझे पैसे चाहिए और मुझे इतना पैसा दरकार है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा आप उसकी मदद से या कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके कार्ड स्वाइप करें आपको क्रेडिट मिल जाती है तो सबसे पहले डायनस क्लब ने अपनी क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस की इट वो इट रॉट ए सेंसेशन इन द मार्केट एंड एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द क्रेडिट कार्ड्स क्योंकि उससे सहूलत बहुत लोगों को पहुँच रही थी तो उसको देखा देखी Uh, बहुत सी और मज़ीद कंपनीज़ ने मार्केट में एंटर करना शुरू किया क्रेडिट कार्ड्स लेके और अभी देखते हैं आप आपको डायनस डाइनस क्लब की कहीं भी नाम नज़र नहीं आता और आपको अभी सख्त मास्टर कार्ड और वीज़ा ही दिखते हैं मार्केट uh, में तो इवेंचुअली क्या हुआ इनविजिबल हैंड ने ऑपरेट किया कॉम्पिटिशन बढ़ा तो जो एक्स्ट्रा uh, एडवांटेज मिली या बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिला डाइनस क्लब को सबसे पहले फाइनेंशियल इनोवेशन लेके आया क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया मार्केट में उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मिला लेकिन अभी जब कंपटीशन बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली क्या हुआ मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट स्क्वीज हो गई कंपटीशन बढ़ गई और सिर्फ जो बहुत सक्सेसफुल कंपनीज थे विद देयर क्रेडिट कार्ड्स दे रिमेन इन द मार्केट अदरवा अदर्स हैड टू लीव द मार्केट सो दिस इज़ हाउ द फाइनेंशियल इनोवेशन एंड द इनविजिबल हैंड दे कलेक्टिवली ऑपरेट इन द मार्केट एंड इट एंड्स एंड at a level where the margin of the profit becomes very small as compared to what they foresee in the beginning so when we are trying to make better financial decisions we need to understand this aspect also okay financial innovations or invisible hand abbi operate